पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने पेटीएम की कुछ बड़ी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम को फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर निर्देश दिए हैं। पेटीएम इन्हीं निर्देश का पालन करने वाला है। असल में 29 फरवरी 2024 के बाद ग्राहक अपने पेटीएम वॉलेट को पोर्ट नहीं कर सकते हैं या फंड नहीं ऐड कर सकते हैं। हालांकि पेटीएम ऐप और यूपीआई भुगतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 29 फरवरी 2024 तक निकासी और बची हुई राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीसी कार्ड आदि में टॉपअप, जमा या क्रेडिट लेन देन की अनुमति नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि पेटीएम ऐप और यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लेन देन पर रोक लगाई जा रही है, सभी पेटीएम लेन देन पर नहीं। फास्टैग ट्रांजिट कार्ड में बचे हुए रुपयों का इस्तेमाल निकासी या ट्रांसफर बिना किसी सीमा के किया जा सकता है। हालांकि इन खातों में टॉपअप या क्रेडिट की अनुमति सिर्फ 29 फरवरी तक है। आप इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप पेटीएम यूजर है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक से 29 फरवरी से पहले पैसे निकालना भी ना भूलें।